हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब स्टेलर में। दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज से। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब स्टेलर, तो आप मेरे चैनल का इंटरफेस को इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन, साथ ही साथ जो है बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियोज को डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके यहाँ पे जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन, साथ ही साथ जो है बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट जो देखने को मिलेगा। तो ये नोटिफिकेशन आया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से। तो यहाँ पे जो है आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज को निकाला गया है। तो डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने का 25 फरवरी है, और लास्ट डेट जो सबमिशन है वो 30 मार्च 2022 है, और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है विद ऑल इंक्लोजर 7 अप्रैल 2022। तो यहाँ पे देखिए आपको डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड के या नॉन साइंस बैकग्राउंड के, सबके लिए वैकेंसीज को निकाला गया है। और साथ ही साथ यहाँ एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको जो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी क्लियरली मैंशन कर रखा है। तो टोटल वैकेंसी जो 38 हैं, तो 38 वैकेंसीज के लिए जो है यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन इन्वाइटेड हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पे स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको लेवल 10 का जो है पे ग्रेड दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 55% मार्क्स, और आपको जो है नेट क्लियर होना चाहिए, चाहे आपका यूजीसी सीएसआई नेट हो या आपका जो है स्लेट सेट हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने पीएचडी जो है वो 2009 से पहले रजिस्टर किया, तो आपका पीएचडी डिग्री रेगुलर मोड में होना चाहिए। 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने आपका पीएचडी थीसिस को इवेल्युएट किया होना चाहिए, ओपन पीएचडी बाय वॉइस हुआ होना चाहिए, और 2 रिसर्च पेपर होने चाहिए आपके पीएचडी वर्क से। तो यहाँ पे जो है इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा कि आपको ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो, आप इसके लिए अप्लाई जरूर करिएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका ग्रेड पॉइंट है वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा कि आपको यहाँ पे किस ग्रेड पॉइंट पे आपको जो है क्या GRA दिया जाएगा और वो कितना परसेंट के इक्वलेंट होगा, तो क्लियरली यहाँ मैंशन कर रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट। तो अगर आप अनरिजर्व OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 2500, SC ST के लिए 1000 रुपीज़ जो है वो आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फॉर्म है वो आपको जो है एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन मोड से करना है। इसके बाद आपको अपना हार्ड कॉपी अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म और आपके सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनी सर्टिफिकेट, वो सारा जो है आपको सेंड कर देना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में। तो यहाँ पे आपको अपने एनवेलप पे लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ, आप जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ मेंशन करना पड़ेगा और आपको सेंड करना है। द रजिस्ट्रार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, कदानगंजी एलान रोड कलाबुर्गी डिस्ट्रिक्ट 585367, बिफोर 7 अप्रैल 2022, ठीक है। तो आप इसके लिए जो है आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बिना ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।